नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। ये दो सर्टिफिकेट हम आपको दिखा रहे हैं और वजह इसकी हम आपको बताएं। ये आप पकड़ें, वजह ये सर्टिफिकेट दिखाने की ये है कि इन दो सर्टिफिकेटों में कुछ करेक्शन की गई है। पहली करेक्शन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पहला एक सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर अगर आप क्लोज से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है लेट प्रदीप चंद्र कपूर, और एक नया सर्टिफिकेट जो है इसके ऊपर इन्होंने नाम चेंज किया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने प्रदीप कपूर कर दिया है। ये एक अच्छी खबर है कि ये चेंज कर दिया जी इन्होंने। लेकिन इससे पहले हमने ये खबर की थी कि यहाँ पर एक लेडी को लाया जाता है, उसके सर पे चोट आई होती है, वो जब यहाँ लेकर आता है उस समय वो ठीक थी, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद उनकी डेथ हो जाती है और यहाँ पर कुछ एडमिट कार्ड बनाया गया था, उस पर रिपोर्ट डाली गई है कितने बजे एडमिट किया गया, क्या था क्या नहीं था। लेकिन जो ये सर्टिफिकेट बनाया गया है उसके ऊपर इन्होंने लिखा था कि ये ब्रॉट डेड हैं, घर से ही डेड लाए गए हैं, 3 बजे की ये रिपोर्ट है। और ये भी लिखा था कि ECG शोन फॉल्ट लाइन, कोविड पॉजिटिव भी हैं। ना जाने क्या क्या लिख रहे हैं GMC वाले। अब समझ नहीं आती कि ये व्यक्ति दर बदर भटक रहा है। एक तो माता जी की मृत्यु हो गई है, परिवार में क्या हालात होंगी, और इस हालात में ये यहाँ घूम रहे हैं कि आप मेरा जो सर्टिफिकेट है वो ठीक कर दीजिए। कौन करेगा ठीक? इस तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर यहाँ काम हो रही है। यही कारण हमें लगता है कि मीडिया की एंट्री बैन की हुई है, यहाँ बाहर खड़ा किया गया है, और बाहर इनको लगता है कि बाहर कोई खबरें नहीं कर रहे हैं। लोग आजकल बाहर आके बता रहे हैं, लोग भी जानते हैं कि उनको कहाँ जाके बताना है। लेकिन ये सर्टिफिकेट आप क्यों ठीक नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि वो जो जिस व्यक्ति ने ये रिपोर्ट बनाई है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा? अरे नहीं करते सस्पेंड आपको, कोई बात नहीं, लेकिन आप गलती हुई है मान तो जाइए। अब मानेंगे नहीं तो लोगों में अविश्वास फैलता है, लोगों में अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। लोग सोचते हैं ये GMC वाले देखो कैसे काम कर रहे हैं, इस तरह से काम करेंगे। अच्छा क्या कहेंगे सर, नहीं मान रहे हैं? सर नहीं मान रहे हैं। मैं उनके पास अंदर गया था, उन्होंने कहा भारत भूषण जी के पास आप जाएं, उनसे करें। वहाँ पे मैं अंदर गया हूँ, PA ने मेरे को बाहर निकाल दिया। भारत भूषण जी के पास जाने नहीं दिया? नहीं जाने दिया, कह रहे वहाँ पे जाने का कोई फायदा नहीं है। और PA कह रहा आप तो ब्रॉड डेड ही लेके आओ। मैंने कहा जब यहाँ पे को कैसे पता लगा कि ब्रॉड डेड है? वो इसी से बता रहा है, ये जो रिपोर्ट है इसी से बता रहा है कि ब्रॉड डेड है। अच्छा वो मतलब उसने पहले जो हम BD लिखते हैं ना, ये ब्रॉड डेड के लिखते हैं। BD नंबर जो लिखते हैं ब्रॉड डेड के लिए लिखते हैं। फिर ये सर ये कुछ शब्द हैं जैसे BD वगैरह लिखा है, ये भगवान के शब्द हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। इन्होंने कह दिया ब्रॉड डेड तो डेड। अब बंदे जो लेकर आ रहे हैं घर से वो बेवकूफ़ हैं, उनको पता ही नहीं है। आपको नहीं समझ आता कि मरे हुए व्यक्ति की स्थिति कैसी है और जीवित व्यक्ति की स्थिति कैसी है? सर इनको ही नहीं पता लगता, सर इनको ही नहीं पता लगता। मेरे को क्या नहीं पता लगता, इनको ही नहीं पता लगता। जब 1:30 बजे ये खुद ही लिख के दे रहे हैं कि वो जीवित थे तो 3 बजे कैसे, जब मैं उनको जीवित 1:30 बजे लेके आऊँ तो इन्होंने तो ब्रॉड डेड 3 बजे मेरे को लिख के दिए ना। ये रिपोर्ट हमने पहले भी दिखाई थी, ये इसके ऊपर देखें आप, यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने 11 बजे 1:30 बजे, ये देखो ये लिखा हुआ है। और अब ये रिपोर्ट बना रहे हैं जी डेड हैं, आप घर से ही डेड। दोनों भाई डॉक्टर हैं, एक फार्मासिस्ट है एक डॉक्टर है, मामा का लड़का डॉक्टर है और दूसरा भाई फार्मासिस्ट है। वो कह रहे हैं कैसे उन्होंने रिपोर्ट लिख के दे दी? तो अच्छा वो कह रहे हैं ना? हाँ वो कह रहे हैं कैसे ECG के थ्रू उन्होंने रिपोर्ट लिख के दे दी है। आप इसके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कहीं पुलिस स्टेशन? मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्यों डॉक्टर साहब की जिंदगी बर्बाद करनी, किसी की जिंदगी बर्बाद करके अब मेरे को क्या मिल जाए। कौन सा डॉक्टर है, क्या नाम है इनका? डॉक्टर सुधीर शर्मा। सुधीर शर्मा जी ने ये बनाई रिपोर्ट? हाँ जी, ये सुधीर शर्मा जी ने बनाई है। अच्छा उन्होंने देखा तक नहीं है उनको, तो वो उन्होंने रिपोर्ट कैसे बना दी है? तो अब आप अंत में क्या चाह रहे हैं? मैं यही चाहता हूँ कि ब्रॉड डेड की जगह मेरे को सही रिपोर्ट दी जाए। इनको यहाँ पर लेकर आया था मैं और इनका यहाँ पर इलाज हुआ है, ब्रॉड डेड नहीं ना लिख के दें, सही रिपोर्ट बना के दे दें। क्या अब जो हो गया, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? चलिए शुक्रिया। तो हमें लगता है कि ये डॉक्टर जो हैं सही रिपोर्ट इस व्यक्ति को बना कर दें। क्यों आप हैरास कर रहे हैं लोगों को, क्यों परेशान कर रहे हैं? ईश्वर नहीं है आप, गलती हो जाती है। आपको लोग ईश्वर मानते हैं क्योंकि आप काम ऐसा करते हैं, लेकिन आप भी खुद को ये मानने लगे हमने जो लिख दिया जी वो लिख दिया, तो ठीक करें, नहीं तो फिर
हम ये मांग करेंगे कि अगर आप ठीक करके नहीं देंगे तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे डॉक्टरों के ऊपर जो लोगों को इस स्थिति में जब उनकी माताजी का देहांत हो गया उस स्थिति में भी परेशान कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं। बाकी आप लोग अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक क्षेत्र समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।